हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई एम हमजा फ्रॉम PHUL। आज हम पढ़ेंगे बॉर्डर इन CSS के। लास्ट टाइम हमने बैकग्राउंड को स्टडी किया था और सबसे पहले कलर्स है, थोड़ा इंट्रोडक्शन था। आज हम आगे चलते हैं, आज हम बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं बॉर्डर इन CSS के लिए। आपको आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर स्टाइल की, यानी कि आपने बॉर्डर का स्टाइल कैसे लगाना है। तो बॉर्डर जो है उसके स्टाइल तो बहुत ज्यादा है। मैंने सिंपल यहाँ पे डॉटेड लिखा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे सॉलिड होता है, एक मैश होता है, बहुत ज्यादा स्टाइल है। लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करनी है आपने वो बॉर्डर स्टाइल की यूज करनी है, ठीक है? तो इसको हम साथ साथ करते भी है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, हेलो वर्ल्ड नहीं लिख रहा। ओके, आप स्टाइल के अंदर जाता हूँ, इसको हमने मैंने बॉर्डर लगाना है। मैं इसको क्लास वगैरह नहीं दे रहा, इसको मैं क्रेडिट एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ बॉर्डर स्टाइल। ये देखें, ये आपके सामने कितने ज्यादा है, तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक। तो मैं पहला डैश ही यूज कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं चेक करते हैं। ये देखें, ये बॉर्डर जो है उसने वो डैश वाला लगाया, ठीक है? तो ये जो है इस तरह से आप अगर मैं इसका चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये डॉटेड हो गया। अगर मैं इसको सॉलिड करता हूँ यहाँ से, ये सिंपल जो आम बॉर्डर होता है वो हो गया। उसके बाद अगर मैं इसमें एक ग्रुप कर दूँ इसको, ये मेरा कलर उसने जो है वो थोड़ा हल्का कर दिया, एक आई थिंक इंसर्ट होता है, ये इसका ये इंसर्ट सा आ जाता है। तो ये जो है ना, इस तरह आप इसको बना सकते हो, ये बॉर्डर का स्टाइल है। ओके, अब आगे हमारे पास आ जाती है बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर जो है वो आप बाय डिफॉल्ट 1 pixel का होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करते हुए आप उसके जो प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर विड्थ रखना है, और आपने उसको जितना देना है पिक्सल उतने आप उसने दे दें। इसके बाद अब ये तो हो गया ना, अब जब आप दोगे ना बॉर्डर विड्थ के बाद आप 5 pixel देने के, तो होना क्या है कि चारों साइडों पे 5 pixel के जो विड्थ है ना वो ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों साइडों पे इक्वल नहीं देना चाहता, मैं डिफरेंट देना चाहता हूँ कि मेरे टॉप पे इतना हो, लेफ्ट में मेरा इतना है और राइट पे इतना, तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। ये वाली इस तरीके से इसको आप बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी कि बॉर्डर विड्थ लिख के आप 5 pixel यानी कि टॉप। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये नहीं आपने लिखना, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। जो 5px जो है, अब 4 values आपने लेनी है, 1, 2, 3 और 4। पहली वैल्यू जो है ये टॉप के लिए होती है, यानी कि बॉर्डर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है, टॉप बॉर्डर के लिए, ये राइट के लिए, ये बॉटम के लिए, ये लेफ्ट के लिए, ठीक है? तो ये जब इसमें वैल्यूज दोगे आप, तो अब चारों साइडों पर डिफरेंट बॉर्डर लगेगा जैसे आपने देना है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है? ज़्यादातर काम जो है ना वो सॉलिड पे होता है। तो इसको मैं बॉर्डर विड, ओके, मैं पहले इसको 5 pixel देता हूँ। गाइस, ये 5 pixel बहुत ज़्यादा होती है, ये देखें, हमने यूज़ करनी होती है 2 pixel 3 pixel। वो रिक्वायरमेंट के हवाले से होती है जितनी आपने यूज़ करनी। तो बाई डिफॉल्ट जो है वो मेरे साथ 5 होती है। तो ये तो हो गया बॉर्डर। अब ये लगी है चारों साइडों पे, ठीक है? ये लेफ्ट राइट बॉटम टॉप ये सारी जगह पे बराबर की लगी है, लेकिन मैं अब इसको डिफरेंट जगह पे करना चाहता हूँ। तो टॉप पे मेरे पास ये आ गई 2 pixel राइट साइड पे, अब राइट साइड की बारी है, टॉप के बाद राइट की आएगी। तो राइट साइड पे मैं देता हूँ 5 pixel, अब आएगी बॉटम की बारी, या
अब आएगी लेफ्ट की बारी, वहां पे मैं छे देता हूँ, छे देता हूँ। अब इसको चेक, तो अब ये देख रहे हैं आपके सामने ये बॉर्डर लग गया। तो ये जो है ये तरीका होता है डिफरेंट बॉर्डर देने का। तो नहीं था कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चल, आगे वाले पास आ जाता है बॉर्डर कलर, यानी कि आपने बॉर्डर का कलर कौन सा देना है। बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो ब्लैक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी जो है वो बॉर्डर कलर की ही यूज होनी है। और इसको हम चेक कर सकते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बॉर्डर कलर देता हूँ, कलर मैं इसको देता हूँ ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया। जो मर्जी आप इसको कलर दे दो, मैं इसको दे देता हूँ येलो। येलो हो जाएगा। तो ये जो है कलर जो है आप इसका भी दे सकते हैं, इसको आप आरजीबी में भी दे सकते हैं, इसको हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहे। जिसमें आपको कमांड है आप उसके अंदर इसको ग्रिप, जिसके अंदर आपकी ग्रिप है, यानी कि जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं आप उससे देख लें, अगर इस तरह आप नाम यूज़ करते हैं तो नाम इस तरह लिख लें, अदरवाइज आर जी बी यूज़ करते हो तो आर जी बी लिख लें, आपकी मर्जी है। ओके आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस होता है कि आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारा बॉर्डर जो होता है वो साइडों से थोड़ा सा ना, उसके जो किनारे होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वो गोल होते हैं, बिल्कुल वो शार्प जो है ना, वो बिल्कुल वो डब्बा सा नहीं होता, होता क्या लगता है थोड़ा सा गोल किया होता है, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस यूज़ किया जाता है। अब बॉर्डर रेडियस आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेस्टिंग एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था, तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ बॉर्डर रेडियस, मैं इसको 5 पिक्सल दे देता हूँ। ओके मैं इसका कलर ज़रा चार कर दूँ, ये देखिए इसको मैं एक ही कर देता हूँ। ओके ये देखिए आप साइडों पे थोड़े से ये गोल हुए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी 5 पिक्सल दी है, अगर मैं इसको ज्यादा देता हूँ काटे होके दिए तब लाइक चल दे देता हूँ। तो ये देखिए ये किनारे जो है वो थोड़ा और गोल हो गए, तो ये राउंड करने के लिए किनारों को आप बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है बॉर्डर रेडियस बनाने का तरीका। अब आगे चलते हैं, आगे या बॉर्डर का शॉर्ट हैंड किया है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इतनी हमने वो इतना ज्यादा लिख दिया, कलर भी लगाया, वेट भी लगाई, सारा कुछ लगाया, तो बजाय इतना कुछ लिखने के आप सिंपल उसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करें, जिसके अंदर आपने बॉर्डर लिखना है सिंपल, उसके बाद आपने उसकी विड्थ लेनी है, फिर उसका स्टाइल लेना है, उसका कलर देना। तो हम चेक करते हैं, मैं ये सारे को मूव कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पे बॉर्डर देन देता हूँ। ओके पहले उसकी विड्थ, यानी कि मैं उसको 5 पिक्सल देता हूँ, बाद में उसका स्टाइल सॉलिड है, फिर उसका कलर रेड है। इसको क्या करते हैं, ये देखें वही चीज है। तो अब यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ शायद लग जाए, नहीं तो फिर अलहरा लगाना पड़ेगा, अलहरा लगाना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस नहीं आता इसमें। ये देखें आपके पास, अब ये जो है हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये आप यूज़ कर सकते हैं बजाय इतने लंबे तरीके लिखने के, और डेवलपर्स जो है वो यही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपके लिए जो है, अब मैं चाहता हूँ मैं मुझे बॉर्डर सिर्फ ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए या लेफ्ट भी चाहिए राइट भी चाहिए, तो उसके लिए आप इतना लिख सकते हैं इसको बॉर्डर। अब मुझे ऊपर वाले के लिए नीचे चले जा मर्जी, ऊपर वाले कर लेते हैं बॉर्डर टॉप, ऊपर वाले के लिए बॉर्डर टॉप यूज़ करेंगे। अब वही 5 पिक्सल का मुझे चाहिए, सॉलिड होना चाहिए,
और उसका कलर रेड हो। रिफ्रेश, अब ये देखें सिर्फ ऊपर बॉर्डर आया। अब यही अगर मुझे नीचे चाहिए, ऊपर वाला लगा ही रहने देते हैं, हम साल में नीचे भी नहीं आते हैं। बॉर्डर ये बॉटम बॉटम लगाए 5 पिक्सल सॉलिड रिफ्रेश करते हैं, अब ये नीचे भी आ गए। अब मुझे लेफ्ट का चाहिए, बॉटल लेफ्ट 5 पिक्सल सॉर्टेड कर देते हैं इसको। टेल ये साइड में डॉट लग गए हैं, और अगर हम राइट की बात करते हैं बॉर्डर बॉर्डर राइट, यहाँ पे मैं 5 पिक्सल डैश दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे वोट लाके जैसे आप लगाना चाहें उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अब अगर आप स्टाइल नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो स्टाइल को आप अगर ऐसे इतना कर दें, या उसको मैं रिमूव करता हूँ वो रिफ्रेश करता हूँ, बॉर्डर नहीं शो होगा क्योंकि स्टाइल आपने लास्ट ही शो कर। ठीक है, अगर हम स्टाइल जो है वो बाद में लिखते हैं कलर के बाद, आप ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले लिखें या बाद में लिखें, आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बॉर्डर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, मज़ीद इसकी जो वीडियोज़ हैं वो आगे आपको मिलती जाएंगी। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो आई थिंक मार्जिन हैं, मार्जिन और पैडिंग वो पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।